नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा तंत्र मंत्र में, काफी पूजा पाठ में कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिनका हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उन चीजों में ऐसी शक्तियां पड़ी हैं जो आपकी इच्छाओं को तुरंत एक रूप में परिवर्तित कर देती है। ये रूप आपको सीधे इन आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन ब्रह्मांड में वो रूप बन जाता है जो आपकी इच्छाओं को एक रियलिटी के रूप में बदलने के लिए अग्रसर हो जाता है। जैसे आप लौंग है, इलायची है, नींबू है, ये तमाम चीजों के अंदर वो शक्तियां पड़ी हुई है जो आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की शक्ति रखती है। आज आपको एक ऐसी ही चीज के बारे में जानकारी देने के लिए जा रही हूं। इस चीज से आप किसी भी व्यक्ति का वशीकरण कर सकते हैं। इस चीज से आप किसी भी इंसान के दिमाग को पलट सकते हैं। इस चीज से आप कोई भी होता हुआ काम रोक सकते हैं। इस चीज से आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको ये काम करना है पॉजिटिव होकर के। यदि एक बार में कोई काम नहीं होता हो तो आपको उसे रिपीट करना है। काम को होना ही है, क्योंकि ये सारी चीजें चमत्कारी होती हैं। इनके अंदर शक्तियां होती हैं जो आपके काम को करती हैं। कितनी बार ऐसा होता है जब आपका काम होने में थोड़ा डिले होता है, इंसान ये सोचता है कि मैंने ये काम, ये क्रिया की, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो आपके साथ दूसरी नेगेटिव चीजें काफी हद तक होती हैं जो उस चीज को काम नहीं करने देती हैं। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को बुलाया है अपने घर में कि आप मेरे घर में इस चीज को लेकर के आओ, वो व्यक्ति लेकर के भी आ रहा है, लेकिन आप ही के घर में कोई आपका विरोधी बैठा है जो उस व्यक्ति को रास्ता भुला देता है, जो उस व्यक्ति को आपके घर में एंटर होने से पहले ही कहीं गिरा देता है, किसी दूसरे रास्ते चढ़ा देता है, तो वो चीज आपके पास नहीं आती है। वो व्यक्ति उठा नहीं, वो व्यक्ति आपके पास आया नहीं, आ नहीं रहा था, ऐसा नहीं है। जो भी क्रिया आप करते हैं, तमाम क्रियाएं एक्टिव हो जाती है, लेकिन उनको एक्शन में आने से यदि आप ही के घर की नेगेटिविटी रोक देती है तो वो क्रियाएं थोड़ा ठंडी पड़ जाती है, थोड़ा लेट काम करती है। काम करती जरूर है। तो आज जो आपको उपाय बता रही हूँ दोस्तों, ये उपाय बहुत साधारण चीज है, जावंत्री। आप कहीं पर भी अनाज की दुकान में जाएंगे और बोलेंगे जावंत्री दे दो, वो दे देगा, ठीक है। गरम मसाले में ये होता है, ये बहुत पावरफुल है। जावंत्री आपकी किसी भी चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति आपका कहना नहीं मान रहा हो, जैसे कि कोई व्यक्ति शराबी हो, या कोई कुसंगत में चढ़ गया हो, या कोई ऐसा काम कर रहा हो जो आपको पसंद ना हो, सोते समय उस व्यक्ति को किसी भी चीज में आप थोड़ी सी जावंत्री खिला दें, जब वो व्यक्ति सो जाए तो उसके कान के पास जाकर के आप उसको जो करने के लिए बोलेंगे, सुबह उठ करके वो व्यक्ति वही काम करेगा। जावंत्री में इतनी शक्ति होती है। जावंत्री को आप अपने मुंह में रखें और किसी चीज की आप विश करें कि ये व्यक्ति मेरी बात मानना चाहिए, ये व्यक्ति मेरे वश में होना चाहिए। जो भी आप जिस व्यक्ति के बारे में, जो भी उस व्यक्ति से आशा रखते हैं, उस व्यक्ति के बारे में आप सोचें और जावंत्री को उस व्यक्ति के पुराने कपड़े में रख दें। वो व्यक्ति अनायास ही आपकी तरफ खींचा चला आएगा। उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि कब वो व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा हो, या कोई व्यक्ति
अनवांटेड पर्सन आपकी लाइफ में है, आप चाहते हैं ये व्यक्ति आपसे नफरत करे, आपसे दूर चला जाए, तो आप जावंत्री को अपने मुंह में रखें और कंटिन्यू आप ये सोचना शुरू कर दें कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ से चला जाए या ये व्यक्ति के साथ अब ये हो। लगभग 3-4 घंटा जावंत्री को अपने मुंह में रखें, उसके बाद उसको निकाल कर थोड़ा सा सूख जाए तो दक्षिण दिशा में रख करके उसे जला दें या फिर थोड़ा सा गड्ढा करें और उस गड्ढे में उसे दबा दें। सामने वाले व्यक्ति की इच्छा, उसकी जो शक्ति है वो अपने आप खत्म होने लग जाएगी। आप यदि चाहते हैं कि आपका कोई काम जो लंबे समय से अधूरा पड़ा है, कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि आपका ये काम जल्दी से हो जाए, तो आप जावंत्री को अपने मुंह में रखें और कंटिन्यू आप उस चीज को बोलते रहें कि मेरा ये काम हो, मेरा ये काम हो, मेरा ये काम हो। कंटिन्यू आपको अपने विचारों को बोलते रहना है। जितना ज़्यादा 2 घंटे 4 घंटे पूरा दिन आप जितना भी ज़्यादा इसको मुंह में रख सकते हैं आप इसे मुंह में रखें, उसके बाद में आप इसको मुंह से निकालें और उत्तर दिशा की तरफ आप इसको रख करके जला दें। क्या करें, उत्तर दिशा की तरफ इसको रख करके आप कपूर से या घी से इसको जला दें और जो इसकी भस्म निकलती है उसको आप हाथ में लेकर के ऐसे ऊपर ब्रह्मांड में आप इसको फूंक मार करके उड़ा दें, जैसे कि आपने अपने विष को ब्रह्मांड में स्प्रे कर दिया है। बहुत जल्दी दोस्तों आपका काम होता हुआ दिखाई देगा। फिर से बता दूं, जावंत्री से आप शत्रु नाश भी कर सकते हैं, शत्रुओं की शक्ति खत्म कर सकते हैं। जावंत्री के द्वारा आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। जावंत्री के द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। जावंत्री अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है। इसका कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मैंने आपको थोड़े उपाय बताए हैं, इसके सिवाय भी जावंत्री के दोस्तों हजारों उपाय हैं जो यदि आप करते हैं तो आपको तुरंत ही उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो कर लेने के लिए एक उपाय है, करते रहें, खुश रहें। जैसे कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें अवश्य। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य अवश्य करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।